खाना चाहती हूँ। ये क्या है? इस हाथ का बॉडी कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है? असल में थिंग तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई है। केट, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मेरे पास न्यूट्रेला है। वाह, तुम अपनी उंगलियों से इसे चाट रही हो, तो फिर तुम्हें पक्का यह पिज्जा पसंद आएगा, सबसे अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट की तरह। बस करो, यदि आप सब कुछ मुझे खिलाना चाहते हो तो मैं एक चुनौती की घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कड़ाही और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे, और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे, और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाए। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए, और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह माफ करना, यह एक और संकेत है कि यह कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए, के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए, तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा, कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट, यह ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ, और बर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और पी देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है, और यह कॉकटेल एकदम घिनौना से आपका है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ, और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है, देखो इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है, यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो, और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ, और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में चौगुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह साधारण बर्गर की तरह है,
और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियाँ और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर ये सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया, और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। तड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ, और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है, मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो, उसके बाद हम इसे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ है और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो, तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है।
बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है, मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। मल्टी डू चैलेंज को सब्सक्राइब करें, फिर आप निश्चित रूप से ऐसे ही स्वादिष्ट और मजेदार चुनौतियों को मिस नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे।